अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे STS 630 के लेसन नंबर 44 को, रिपोर्ट राइटिंग। फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग एलोबरेटरी ऑन अ टॉपिक, इट इज़ फॉर क्लियर पर्पस एंड फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस। रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट जो है, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या रहेगा, फॉर्मेट इज इन द फॉर्मल फॉर्म। एक फॉर्मल फॉर्म होती है, इसको हम देखेंगे कि क्या फॉर्म होती है, किस तरह इसके पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो है वो है प्रीफेक्टरी पार्ट, दूसरा मेन बॉडी और तीसरा अपेंडेंट पार्ट। इन सब पार्ट्स को हम वन बाय वन डिटेल से देखते हैं। प्रीफेक्टरी पार्ट के अंदर पहली चीज़ आती है टाइटल फ्लाई पेज। इस पर सिर्फ रिपोर्ट का टाइटल होता है और ये रिपोर्ट के बिल्कुल शुरू में होता है, अक्सर रिपोर्ट्स में ये पेज नहीं होता। दूसरा टाइटल पेज है, टाइटल पेज जो होता है इसके अंदर चार चीज़ें शामिल होना ज़रूरी हैं, टाइटल रिपोर्ट की जो है उसका नाम यानी कि रिपोर्ट का, और पर्सन जिसने रिपोर्ट तैयार की है, और इसके अलावा जो कह रहा है कि डाटा ऑफ द रिलीज्ड प्रेजेंटेशन, जो हमारे पास डाटा है वो भी इसके अंदर होना चाहिए। जिस बंदे ने रिपोर्ट तैयार की है या जिसने और करवाई है, जिसने स्पॉन्सर किया है, इसका नाम भी इस पे होना चाहिए। लेटर ऑफ ट्रांसमिटल, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल में कह रहा है कि इसके अंदर इस तरह की कुछ इन्फो लिखी जाती है जिसके अंदर जो रीडर और राइटर होता है इन दोनों के दरमियान एक रैपो बिल्ड होती है, एक अच्छा ताल्लुक कायम होता है। एक एग्जांपल दी गई है, इसको स्किप कर रहा हूँ मैं। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, इसमें इस चीज़ की डिटेल्स लिखी जाती हैं कि जो प्रोजेक्ट है इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसको सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज मौजूद हैं, रिसर्च को कह रहा है कि स्पॉन्सर कौन कर रहा है। टेबल ऑफ कंटेंट, डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ रिपोर्ट विद पेज रेफरेंस टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर शामिल होती हैं, यानी कि आपको पता है लिस्टिंग की होती है, जो जो चीज़ें होती हैं हर चीज़ की लिस्टिंग और पेज का नंबर आगे लिखा होता है। एग्जीक्यूटिव समरी, एग्जीक्यूटिव समरिंग जो है वो वाइटल पार्ट है रिपोर्ट का। स्टूडेंट जो हैं ये लाजमी इंडिकेट करना ज़रूरी है, यह समरी लिखना लाजमी ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर मैनेजर या रीडर जो हैं वो इसी समरी को रीड आउट करते हैं, वो बाकी रिपोर्ट को नहीं रीड करते। कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव समरी जो है इसकी बात कर रहे हैं, ये पूरी रिपोर्ट की एक समरी होती है जिसमें तमाम जो हैं एस्पेक्ट्स को बयान किया जाता है, लेकिन एब्रीवेशन की शक्ल में, या फिर एक जामिया समरी होती है जिसमें फाइंडिंग्स, कंक्लूजन्स, रिकमेंडेशंस वगैरह शामिल होती हैं। समरी के अंदर चार एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑफ द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट होती है उसके ऑब्जेक्टिव लिखे गए होते हैं, मेजर रिजल्ट जो होते हैं रिपोर्ट के, कंक्लूजन क्या हैं वो लिखी होती हैं, और रिकमेंडेशंस जो होती हैं सजेशन यानी वो इसके अंदर दर्ज होती हैं। अभी मेन बॉडी की बात करेंगे। मेन बॉडी के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है इंट्रोडक्शन। इट शुड डिस्क्राइब पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स, बैकग्राउंड मटेरियल, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंट्रोडक्शन में लिखनी ज़रूरी हैं। ये एब्रीवेशन एक है टर्म ऑफ रेफरेंस, TOR। अच्छा, आगे हम चलते हैं, मेथोडोलॉजी की बात कर रहा है। मेथोडोलॉजी के अंदर कह रहा है कि इट इंक्लूड्स टेक्निकल प्रोसीजर्स, इट शुड एक्सप्लेन 7 टॉपिक्स, मेथड 7 टॉपिक्स को इसे एक्सप्लेन करना चाहिए। कौन कौन से हैं कि रिसर्च डिज़ाइन है, डाटा कलेक्शन मेथड है, सैम्पल डिज़ाइन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डाटा कलेक्शन है, फील्ड वर्क डाटा कलेक्शन है, एनालिसिस और लिमिटेशंस, इन सब पॉइंट्स को इसको इसमें डिस्कशन होनी चाहिए। मेथोडोलॉजी के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है रिजल्ट, यानी कि आखिर में हमने इसके अंदर रिजल्ट्स को बयान करना है। रिजल्ट्स के अंदर कह रहा है कि रिजल्ट शुड बी इन लॉजिकल ऑर्डर, ये एक टेबल्स या ग्राफ्स चार्ट्स की शक्ल में मौजूद होने चाहिए, इनको इस शक्ल में लिखना चाहिए। आगे हमारे पास आ गया कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस। इट इज़ लास्ट पार्ट ऑफ द बॉडी बेस्ड ऑन रिजल्ट्स, रिकमेंडेशंस एमर्ज आउट ऑफ द कंक्लूजन, कंक्लूजन से रिकमेंडेशंस जो है हम एमर्ज कर सकते हैं। दीज आर एक्चुअली सजेशंस फॉर एक्शन इन एन अप्लाइड रिसर्च। रेफरेंसेस, रेफरेंसेस कह रहा है कि जो साइटेशंस जो कोटेशंस हम इस्तेमाल करते हैं उनका रेफरेंस देना, उनको जो ऑथर का नाम जो है मेंशन करना साथ ज़रूरी है। अगर थीसिस लिख रहे हैं तो उसके अंदर
क्या चीज़ ज़रूरी है इंट्रो, उसका जो हम आउटलाइन ऑफ द चैप्टर इज सजेस्टेड दैट इसमें होना चाहिए इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, हाइपोथेसिस, रिसर्च डिज़ाइन, एनालिसिस ऑफ डाटा, समरी, रेफरेंसेस और अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है? इसमें चीज़ों की डिटेल दी जाती है जिनको रिपोर्ट में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाता। मसलन अपेंडिक्स का आपको पता है कि आखिर में इसके अंदर उन चीज़ों की डिटेल दी जाती है जो कि टू मच मटेरियल होते हैं, जिनमें मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है चीज़ों को। मतलब आपको पता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं जिनको डिफाइन नहीं किया गया होता, तो अपेंडिक्स के अंदर आखिर में उन चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है, डिफाइन कर दिया जाता है अलग से। तो अपेंडिक्स बहुत कम लोग पढ़ते हैं, जो कंसर्निंग लोग होते हैं, जिनका ज़्यादा कंसर्न होता है, वही लोग अपेंडिक्स को पढ़ते हैं। वो ये था आपका STX 630 का लेसन नंबर 44। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।